झारखंड के लगभग 17 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। गोविंदपुर से सीओ शशिभूषण सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। वहीं गोविंदपुर के सीओ शशिभूषण सिंह को टीवी 45 ने ढूंढ निकाला, लेकिन सीओ साहब मीडिया से भागते हुए नजर आए हैं। आज सुबह जब आपकी नींद खुली तो एक न्यूज ने जो आपका स्वागत किया वो ये था कि झारखंड के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। टीवी 45 ने इसकी तफ्तीश की, हमने पता करने की कोशिश की कि आखिर ईडी की कार्रवाई हो कहां रही है। पता चला अंबा प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर। गाड़ी देख सकते हैं गोविंदपुर सीईओ की कि इनके ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। पूरे झारखंड में कुल 17 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है, जिसमें अंबा प्रसाद, गोविंदपुर सीईओ शशिभूषण सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब ईडी जिन्हें ढूंढ रही है, ईडी जिनके ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, टीवी 45 ने उन्हें ढूंढ निकाला है। आप देख सकते हैं हमारे सामने गोविंदपुर सीईओ की गाड़ी यहां खड़ी है। कई मामले गोविंदपुर सीईओ के खिलाफ हैं जिसपे ईडी कार्रवाई कर रही है। इसमें अवैध खनन, जमीन से जुड़े कई मामले हैं। अंबा प्रसाद के बहुत करीबी बताए जाते थे गोविंदपुर सीईओ, और यही वजह है कि इन पे जमीन में फेरबदल, हेर फेर के कई आरोप लगे हैं जिस पर ईडी कार्रवाई कर रही है। और इनके कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, अभी छापेमारी चल रही है। छापेमारी में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन टीवी 45 पे आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं गोविंदपुर सीईओ जो पहले इचाक के सीईओ रहे हैं, और उस समय ये विधायक अंबा प्रसाद के काफ़ी करीबी बताए जाते थे। हमने भी गोविंदपुर में मंडरो पहाड़ की एक खबर आपको दिखाई थी कि किस तरह मंडरो पहाड़ का अवैध खनन किया जा रहा है, पत्थर की चोरी वहां से की जा रही है। उस क्षेत्र की भी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। जो गोविंदपुर के सीईओ हैं इनके खिलाफ ईडी क्या एक्शन लेती है यह देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन अभी आप टीवी 45 पे एक्सक्लूसिव देख सकते हैं गोविंदपुर सीईओ की यह गाड़ी है और ये धनबाद में है। मैं आपको ये धनबाद की तस्वीर दिखा रहा हूँ कि गोविंदपुर सीईओ को हमने ढूंढ निकाला है, जिनके खिलाफ पूरे झारखंड में छापेमारी चल रही है। इनके खिलाफ आरोप है कि इन्होंने कई बेनामी संपत्ति गोविंदपुर सीईओ के खिलाफ है जो इन्होंने अवैध तरीके से अर्जित की है। इसी मामले में ईडी जांच कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि गोविंदपुर सीईओ तक भी आपको ले चलें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको गोविंदपुर सीईओ से मिलवाएं, लेकिन तब तक के लिए आप देखिए कि टीवी 45 ने ये एक्सक्लूसिव खबर निकाली है। गोविंदपुर सीईओ की गाड़ी आप देख सकते हैं और यहीं ये पार्किंग में इनकी गाड़ी लगी हुई है और इसके ऊपर वो हैं। हम उनका इंतजार करेंगे, वो नीचे आएं और इस कार्रवाई पे कुछ कहें।